मैंने अमेजोन पे ऑर्डर किया था रियलमी पैड एंड ये फाइनली मेरे को डिलीवर हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले इसके एकदम मस्त वाले अनबॉक्सिंग एंड मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस आईपैड के बारे में। इसके काफ़ी सारे वेरिएंट हैं, इसके अलावा ये आपको परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड मैं आपको एक क्विक पबजी टेस्ट भी बता दूंगा कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। एंड इसके अलावा इसके ऊपर बहुत सारे डिटेल वीडियोज आएंगे जैसे पबजी को लेकर। अगर आप बोलोगे तो भाई मेरे पास आईपैड भी है इसके साथ भी, मैं बोलोगे तो मैं कंपेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मैं नाम की तरफ देख रहे हो टेक अनबॉक्सिंग चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना एंड मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे टेक अनबॉक्सिंग यूजर नेम है। बेसिकली आपको इसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक है आपका वाईफाई सपोर्ट के साथ में, एक है आपका वाईफाई विद वोल्टी जिसमें आप सिम लगा सकते हो, डुअल सिम लगा सकते हो या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। तो जो वाईफाई वाला है वो भाई कमिंग सून है, उसको आप ऑर्डर अभी फिलहाल नहीं कर सकते। जिस वक्त मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल नहीं है, अमेजोन पे भी अवेलेबल नहीं है, प्लस आपका मी का जो ऑफिशियल साइट है इंडिया में वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, कमिंग सून भी है। एंड एक्चुअली मैं बोलूँ तो वही सबसे तगड़ा डील निकल के आता है, अगर वो लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर सिम का दरकार नहीं है तो। वाईफाई वाला में आपको एक वेरिएंट देखने को मिलता है 3GB रैम विद 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जिसका प्राइस है 14,000 रुपीज। एंड जो बाकी वाला जो 4G वाला जो वेरिएंट है, एक आता है आपका 3GB रैम विद 32GB इंटरनल स्टोरेज जिसका प्राइस है 16,000 रुपीज। एंड मेरे पास जो वेरिएंट है ये सबसे हायर वेरिएंट मैंने ऑर्डर किया अमेजोन से, जो है 4GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। एक्चुअल तो इसका प्राइस भाई 18,000 रुपीज़ है, लेकिन भाई इसको मैंने परचेज किया 19,900 समथिंग रुपीज, मतलब अराउंड 20,000 पकड़ लो, बिकॉज ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। बट भाई इसका तो करना है हमें अनबॉक्सिंग एंड आपको बताना है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है एंड बेस्ट डील है या नहीं है, ठीक है। तो फटाफट पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स देख सकते हो ऐसे देखने को मिलता है, बाय द वे इसको मैंने पहले अनबॉक्स करके यूज़ करके पबजी वबजी खेल लिया है, सेटअप मैंने पूरा कर लिया है। तो सिंपल भाई आपको बहुत लंबा चौड़ा बॉक्स देखने को मिलता है एंड सबसे पहले आपको आईपैड देखने को मिलता है, तो आईपैड को रखते हैं साइड में। एक आपको बॉक्स में आपको कुछ यूजर मैनुअल बुक देखने को मिलता है जहाँ पे आईपैड के बारे में समथिंग 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 है। उसी के नीचे में आपको सिम टूल देखने को मिलता है, इंटरेस्टिंग। एंड इसके अलावा में दूसरा वाला बॉक्स में आपको चार्जर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 18 वॉट का फास्ट चार्जर तो नहीं बोलूंगा, बट इन लोग फास्ट चार्जर बोलते हैं, तो 18 वॉट का आपको चार्जर देखने को मिलता है। USB टू सी टाइप आपको एक डाटा केबल देखने को मिलता है। बस बॉक्स में भाई इतना ही है, साइड लगाते हैं सबको। ओके, यहाँ पे आईपैड देखने को मिलता है। सबसे पहला चीज़ काफ़ी स्लिम है, मेरे को अभी से ही से महसूस हो रहा है, ठीक है। और जब आप लोग परचेज करो तो आपको भी चीज़ महसूस होगा कि काफ़ी आपको स्लिम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं निकालता हूँ ना, ओके यहाँ पे देख सकते हो भाई काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। फ्रंट से भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से भाई बड़ा बड़ा एकदम टैबलेट है। एक चीज़ है कि आपका वन हैंड में फिट हो जा रहा है, देख सकते हो मैंने मस्त एक हाथ में एकदम आराम से पकड़ लिया। इसका वेट बैलेंस काफ़ी अच्छा किया हुआ है। जब वो फर्स्ट टाइम इसको हाथ में लोगे तो आपको वेट फील नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में इसका वेट काफ़ी अच्छा खासा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन को लेके। तो यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको एल्युमिनियम का देखने को मिलता है, जो बैक है जो आपका साइड है तो काफ़ी स्टडी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। फ्रंट में भाई कौन सा प्रोटेक्शन है पता नहीं, लेकिन हाँ यूज़ जब मैं कर रहा था तो लगा कि भाई जो बिल्ड क्वालिटी के मामले में बहुत तगड़ा देखने को मिलता है सीन, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि चीप टाइप देखने को मिलता है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा बिल्ड क्वालिटी के मामले में। डिजाइन का बात करूं तो यहां पे देख सकते हो पीछे में आपको एक कैमरा देखने को मिलता है, पीछे की तरफ एक आपको कैमरा से डायरेक्ट लाइन है। स्क्रीन की तरफ में आपको एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि एकदम वाइड एंगल वाली बात है। और लेफ्ट साइड में आपको एकदम क्लीन है, कुछ भी नहीं है। राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन देखने को मिलता है टॉप की तरफ में। नीचे में अगर आओगे तो आपको डुअल माइक देखने को मिलता है, उसी के नीचे में आपको सिम ट्रे देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे क्या ऑप्शन है वो भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप 2 सिम लगा सकते हो या फिर 1 सिम और एक आप SD कार्ड लगा सकते हो, जो कि 1 TB तक सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। इसके अलावा नीचे में आपको 2 स्पीकर देखने को मिलता है एंड एक आपको सी टाइप पोर्ट है। टॉप के तरफ में आपको 2 स्पीकर और देखने को मिलता है, तो इसमें आपको टोटल 4 स्पीकर है। एंड यहाँ पे आपका पावर ऑन एंड ऑफ है, तो मैं इसको फटाफट इसको ऑन कर देता हूँ। अपना जो पैड है ये ओपन हो चुका है। एक चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगा वो है कि यहाँ पे आपको कोई भी रियलमी के कोई भी फालतू एप्लीकेशन या फिर आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। जो मिलता है भाई गूगल का काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, जैसे कि आपका यूट्यूब म्यूजिक में मिलता ही है, यूट्यूब किड्स आपको देखने को मिलता है, पॉडकास्ट देखने को मिलता है, इसके अलावा में प्ले बुक है,
आपका न्यूज देखने को मिलता है, गूगल पे है, किड्स पे है, तो यहाँ किड्स को लेके काफी ज्यादा आपको एप्लीकेशन देखने को मिलता है, क्योंकि एक्चुअली बजट सेगमेंट में है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो गए, पढ़ाई के लिए हो गई, वो सबके लिए बनाया गया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी आप काफी सारा काम कर सकते हो। तो डिस्प्ले का बात कर लेते हो, यहाँ पे आपको 10.4 इंचेस का डिस्प्ले के साथ में आता है। यहाँ पे मैंने पैड को भाई वन हैंड पकड़ा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। IPS LCD के साथ में आता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन का बात करूँ 2000x1200 पिक्सल्स के साथ में आता है। 82.5 आपको एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिलता है फोन टू रेशियो साइज। चिपसेट एंड परफॉर्मेंस का बात करूँ, यहाँ पे आपको MediaTek का हीलियो G80 देखने को मिलता है और 12 नैनोमीटर का ये चिपसेट है। LPDDR का 4GB रैम देखने को मिलता है। तो मेरे तरफ से ओपिनियन मतलब कि 13,000 का जो iPad है जिसमें वाईफाई सपोर्ट करता है सिर्फ, उसमें भाई ये प्रोसेसर फिर भी अच्छा है MediaTek का हीलियो G80। लेकिन इसमें भाई अगर नया वाला वो प्रोसेसर आया है ना जो कि Realme 8i में देखने को मिलता है, जो कि आपको MediaTek हीलियो G96 है, अगर वो प्रोसेसर आ जाता ना मजा आ जाता, बिकॉज वो डेफिनेटली गेमिंग के लिए मस्त प्रोसेसर और इसमें मस्त फिट होता है। लेकिन भाई आपको फिलहाल यही पैकेज देखने को मिलता है G80, एंड जितना भी आपका स्कोर्स वगैरह है अंतुतु वो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। मेरे हिसाब से अंतुतु ठीक ठाक आ रहा है जैसा प्रोसेसर है। अगर स्टोरेज का बात करो तो eMMC 5.1 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है, एंड इसके अलावा में आप 1TB एक्सटेंड कर सकते हो। अगर OS एंड UI का बात करो तो अबाउट टैबलेट में जाता हूँ, और यहाँ पे भाई Realme UI फॉर्म पैड के लिए आपको वर्जन 1.0 देखने को मिलता है, इसके अलावा एंड्रॉयड वर्जन आपका 11 है, ये भाई हो गया एंड्रॉयड 11। इसके अलावा मैं अगर सिक्योरिटी अपडेट का बात करूँ तो September 5, 2021 का देखने को मिलता है, जो कि मस्त है। एंड यहाँ पे बताऊँ तो यूज़ करने में काफ़ी सही मेरे को फीलिंग आया, आप ऐसे कर लो, ऐसे टर्न करोगे तो ऐसे हो जाएगा, एकदम मस्त पैड वाला फीलिंग है, और भाई काफ़ी सही है गेमिंग करने में, इसमें एक्चुअली मज़ा आता है। अगर कैमरा सेगमेंट का बात करूँ तो यहाँ पे इसका जो मेन कैमरा है वो आपका 8MP का देखने को मिलता है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पैड के साथ कोई फोटोज़ वगैरह तो क्लिक ज़रूर नहीं करता है भाई, वीडियो कॉल वगैरह पे जरूर थोड़ा सा काम आ जाता है, वो भी फ्रंट कैमरा। तो यहाँ पे आपको 8MP का कैमरा देखने को मिलता है, फ्रंट में भी आपको 8MP कैमरा देखने को मिलता है, एंड ये एक वाइड कैमरा है। इसके अलावा डिफरेंट क्या है, नॉर्मली कैमरा आपका इस तरफ में होता है, लेकिन इसका जो कैमरा है वो आपको इस तरफ देखने को मिलता है, तो जब भी आप वीडियो कॉल्स करते हो या फिर क्लासेस करते हो तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, आपको इस तरीके से कैमरा रहेगा, आप इसको कहीं पे भी टिका सकते हो और मस्त वीडियो कॉल में बात कर लो या फिर आप क्लासेस वगैरह अटेंड कर लो। और यहाँ पे अगर मैं कैमरा खोल के दिखाऊं तो आपको क्या ऑप्शन मिलता है वो भी बता देता हूं। ज्यादा तो ऑप्शंस आपको मिलेंगे नहीं, बिकॉज पैड में कोई भी फोटोज क्लिक नहीं करता है, एंड कैमरा भी आपको उतना कुछ खास नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे वीडियो मोड है, 1x पे क्लिक कर सकते हो, 2x है, एंड यहाँ पे 3x है, सॉरी 5x है। तो मैंने पहले बोल दिया था कैमरा आपको उतना तगड़ा देखने को नहीं मिलता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में जो आपको ऑप्शन मिलता है वो आपका है HD में 1080p 720p एंड 480p में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और फोटो का बात करते हैं, यहाँ पे फोटो में जाओगे तो 1x में 2x में एंड 5x में फोटोज क्लिक कर सकते हो। मैं दो सैंपल क्लिक करके दिखाई देता हूँ आपको। एंड इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे प्रो मोड देखने को मिलता है, जहाँ पे आप ISO हो गया, अपर्चर हो गया, ये सबको आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड यही अगर मैं फ्रंट कैमरा का बात करूँ तो देख सकते हो फ्रंट कैमरा कुछ इस तरीके से काम करता है। तो फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेटर मेरे को लग रहा है रेयर कैमरा से, बिकॉज फ्रंट कैमरा से आपको काफ़ी सारा काम होता है, वीडियो कॉलिंग हो गया। एंड ये एक वाइड कैमरा देख सकते हो, वाइड है, एंड ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, एंड जो ऑडियो वो आपको इनबिल्ट आ रहा है, इसमें दो माइक्रोफोन मिलता है, आई होप सो अच्छा आ रहा हो। एंड यहाँ पे एक फोटो मोड है, एंड फोटो मोड और भी ज्यादा वाइड है। तो यहाँ पे मैंने एक फोटो क्लिक किया, देख लेना भाई कैसा आया हुआ है, दो तीन सैंपल मैं आपको दे दूंगा लास्ट में। तो कैमरा में आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन फ्रंट कैमरा फिर भी यूज कर सकते हो सेल्फी के लिए, रियर कैमरा बकवास है, एंड वीडियो कॉल वगैरह सब कर सकते हो, एकदम मस्त वाइड वाला है, तो एकदम सामने भी रखोगे तो काफी जन को कवर कर लेगा, सही चीज है, ठीक ठाक आपको मिल जाता, कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी का बात कर लेते हैं बिकॉज भाई इतना बड़ा टैब है मस्त तरीके से। तो यहाँ पे बैटरी आपको 7100 mAh देखने को मिलता है, 7100 mAh आपको बैटरी है, इसमें आपको 18W का चार्जर मिलता है बॉक्स के अंदर, तो मस्त आपको 4 to 4 hours से लेके 5 hours तक के बीच में इसको टाइम लगेगा फुल चार्ज होने में। एक बार यूज़ करो फिर चार्ज में लगा के आराम से सो जाओ, 4 घंटा 4.5 घंटा में फुल चार्ज हो जाएगा ये।
इसके अलावा भाई ये पैड काफी ज्यादा आपको स्लिम देखने को मिलता है, 6.9 mm के साथ में आता है एंड ये जो टैब का जो वेट है 434 ग्राम के साथ में आता है। लेकिन एक चीज है, जो वेट है काफी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो उसके वजह से आपको वेट बिल्कुल भी फील नहीं होगा, एकदम लगेगा भाई लाइट वेट है और मालूम ही नहीं चलता कि भाई 7000 मिली आवर वाला आपका आईपैड है, आपका 434 आपको वेट ग्राम देखने को मिलता है वेट का, तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगता है, मस्त एकदम हल्का फुल्का सा टैब लगता है। और भाई यही में अगर मेरे पास आईपैड भी है, 6th जनरेशन है बाय द वे, और ये 600 ग्राम का है, मतलब बहुत वेट फील होता है, स्क्रीन रेशियो भी देख ही सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना। अब बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया को लेके, तो यहाँ पे अगर आप YouTube वगैरह वॉच करते हो या फिर मूवी वॉच करते हो तो आपको कैसा एक्सपीरियंस निकल के देता है एंड इसके अलावा में साउंड आपको कैसा मिलता है वो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वीडियो यहाँ पे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा व्यूइंग एंगल देखने को मिलता है, एकदम जो कलर है आपको चंकी फंकी है। तो अगर आप YouTube वगैरह सर्च करते हो या फिर Instagram हो गया, Facebook हो गया, तो कुछ भी करते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस निकाल के देगा। एंड इसके अलावा मैं स्पीकर का बात करूँ तो स्पीकर आपको बहुत क्रेजी एंड लाउड देखने को, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप लैंडस्केप मतलब अगर आप ऐसे अगर पकड़े हो टैब को तो आपका जो साउंड है आपका वो यहां से निकल के आएगा सबसे ज्यादा एंड यहां से थोड़ा कम साउंड आएगा। अगर आप टैब को अगर इस तरीके से पकड़े हो तो नीचे की तरफ से आपका साउंड ज्यादा आएगा एंड ऊपर से कम आएगा, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में सारा स्पीकर फुल वॉल्यूम पे चलेगा, वैसा नहीं होता है। एक वीडियो प्ले करता हूँ YouTube से जो कि 1440p पे अभी चलेगा, तो आप जरा साउंड का भी आपको आइडिया हो जाएगा एंड ये कैसा डिस्प्ले क्वालिटी वो भी आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस का बात करूँ तो आपको इतना एपिक मज़ा आएगा कि बिकॉज का साउंड भाई सराउंडिंग क्रिस्टल साउंड है भाई, क्रिस्टल क्लियर साउंड है, साउंड आपको बहुत लाउड देखने को मिलता है। तो भाई एक तो डिस्प्ले भाई 10.4 इंचेस का, इसके अलावा भाई चार चार स्पीकर है, चारों एक बार में काम नहीं करता लेकिन हल्का हल्का साउंड आता है एंड बहुत ज़्यादा लाउड सराउंडिंग क्रिस्टल क्लियर एकदम मस्त वाला स्पीकर है। तो यहाँ पे भाई डॉल्बी का सपोर्ट के साथ में आता है, तो मल्टीमीडिया में टॉप नोच है ये, तो भाई एकदम डेफिनेटली है भाई मल्टीमीडिया में मजा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फीचर्स का बात करूँ तो यहाँ पे दो फीचर्स मेरे को काफी अच्छे लगे। एक तो सबसे पहला आपका फीचर हो गया रीडिंग मोड, अगर आप पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो रीडिंग मोड को जैसे ऑन करते हो तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में प्लस शिफ्ट हो जाएगा, तो पढ़ने का एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता है। दूसरा आपको इसमें मल्टीटास्किंग देखने को मिलता है, इतना बड़ा स्क्रीन है ऑब्वियसली एक बार में आप मैसेज किसी को रिप्लाई भी कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, किसी को पेमेंट कर सकते हो, उसके अलावा मैं नोट्स वगैरह लिख सकते हो, तो मल्टीमीडिया भी आप बेसिकली इसमें कर सकते हो जो कि टैब का एक बेस्ट फीचर होता है। अगर मैं कनेक्टिविटी का बात करूं तो मेरा वाला जो टैब है यहाँ पे भाई 4G सपोर्ट करता है बिकॉज मेरे पास हायर वेरिएंट है जिसमें वाईफाई भी सपोर्ट करता है एंड LTE वोल्टी भी सपोर्ट करता है, जो 14000 वाला है उसमें सिम सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो भाई कनेक्टिविटी के मामले में इसमें 4G सपोर्ट करता है, वाईफाई सपोर्ट करता है, हॉटस्पॉट देखने को मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5 देखने को मिलता है, GPS है, OTG भी सपोर्ट करता है, डुअल 4G सिम लगा सकते हो विद डुअल माइक आपको देखने को मिलता है जो कि सही चीज है। इसके अलावा आपको क्या नहीं देखने को मिलता है, इस पैड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिलता है, फेस अनलॉक है, फास्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर कहीं नहीं देखने को मिलेगा, रेडियो FM नहीं है एंड यहाँ पे फ्लैश लाइट जो आता है ना भाई वो भी आपको मिसिंग है, तो ये तीन चीज आपको इसमें नहीं मिलता है। और हाँ भाई यहाँ पे 3.5 जैक भी मिलता है, मैं बोलने ही भूल गया बिकॉज ऐसा कोना साइड में दिया ना कि मालूम ही नहीं चलता कि यहाँ पे 3.5 जैक है, तो हाँ 3.5 जैक भी मिलता है आपको इसमें। सो यहाँ पे मैंने PUBG को खोल लिया, अगर मैं बताऊँ सेटिंग्स में आपको क्या क्या ग्राफिक्स देखने को मिलता है, तो सेटिंग में जाओगे आपको जेरोस्कोप्स में देखने को मिलता है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे मैंने जेरोस्कोप को ऑन भी कर दिया है एंड यहाँ पे ग्राफिक्स में जाओगे स्मूथ में आप अल्ट्रा गेम प्ले कर सकते हो जहाँ पे आपको 40 FPS निकाल के देगा एंड यहाँ पे बैलेंस में आप अल्ट्रा गेम प्ले कर सकते हो 40 FPS अगेन एंड HDR में हाई कर सकते हो जहाँ पे आपको 30 FPS निकाल के देगा, HDR सपोर्ट नहीं करता है, तो स्मूथ में आप अल्ट्रा में गेम प्ले कर पाओगे। फ्रेम ड्रॉप्स ऑब्वियसली आपको देखने को मिलता है MediaTek का Helio G80 में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है बट फिर भी आपको गेम ठीक ठाक निकाल के दे देगा एंड ज़्यादा डिटेल के लिए वेट करो, चैनल पे वीडियो आने वाले हैं, काफ़ी क्रेजी होगा, उसको जाकर चेकआउट जरूर कर लेना।
लोग बहुत ज्यादा लेंगे बिकॉज अभी ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल चल रहे हैं। एंड पैड मतलब कि ना एक पैड घर में होना चाहिए वैसा वाला फीलिंग है। एंड ये पैड अगर आप परचेज करते हो ना जो 13,000 वाला जो पैड है वो एक्चुअली प्राइस टू वर्थ है। 13,000 की 14,000 का पैड है वो वाईफाई से सिर्फ चलता है, उसमें सिम नहीं लगा सकते हो, कॉलिंग वगैरह नहीं होगा, लेकिन ये पैड से आप एकदम मस्त हेलो कैसे हो नहीं हो सब बात कर सकते हो बिकॉज ये कॉलिंग सपोर्ट करता है। तो मेरे ख्याल से वो वाला एक्चुअली बेस्ट डील होगा। तो हाँ डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हो, नीचे मैं लिंक ड्रॉप करता हूँ, जाके चेकआउट करो, परचेस करना हो तो बाइक कर लो। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना बिकॉज भाई मैंने खुद का पैसा से परचेस करके आपके सामने एक मस्त अनबॉक्सिंग लेके आया हूं एंड बहुत क्रेजी क्रेजी वीडियोस आने वाले, एकदम स्टे ट्यून रहो और एकदम चैनल को कर लो सब्सक्राइब, मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे टेक इनबॉक्सिंग यूजर नेम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।